इस वीडियो में हम बात करेंगे एफएमसीजी के एक बेहतरीन सेल्स हैटसन एग्रो प्रोडक्ट के क्वार्टर वन के रिजल्ट के बारे में, साथ साथ शेयर प्राइस में लेवल्स और टारगेट को जानेंगे। क्या आपको स्टॉप लॉस रखना है, क्या टारगेट रखना है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए। सबसे पहले बात करें कंपनी के नेट इनकम का, तो यहाँ जो टोटल इनकम कंपनी ने जनरेट किया है जून क्वार्टर में, तो ये लाख में है, तो इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये करोड़ में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1546 करोड़ टोटल इनकम जनरेट किया है कंपनी ने, ये जून क्वार्टर 2021 फाइनेंशियल 22। वहीं कंपनी ने मार्च क्वार्टर में जो टोटल इनकम जनरेट किया था 1570 करोड़ का, तो टोटल इनकम जो है पिछले क्वार्टर से कम है। वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस बात करें तो पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी ने जो टोटल इनकम जनरेट किया था 1280 करोड़ का, तो उससे पिछले साल के तुलना में काफी ज्यादा इनकम में ग्रो हुआ है। अब बात करते हैं एक्सपेंस का, तो इस क्वार्टर में जून क्वार्टर में टोटल जो एक्सपेंस रहा है कंपनी का 1471 करोड़ का, वहीं पिछले क्वार्टर में जो एक्सपेंस रहा था 1483 करोड़ का। वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस बात करें तो पिछले साल के जून क्वार्टर में जो एक्सपेंस था कंपनी का 1197 करोड़ का, तो टोटल इनकम भी इंक्रीज हुआ है, वहीं टोटल एक्सपेंस भी इंक्रीज हुआ है। अब बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो इस पीरियड के लिए प्रॉफिट कितना रहा है कंपनी का, तो प्रॉफिट की बात करें 58 करोड़ का रहा है। वहीं पिछले क्वार्टर में जो था 57 करोड़ का था, और जून क्वार्टर पिछले साल जो था उसमें 56 करोड़ का था, तो यहाँ पर प्रॉफिट भी 2 करोड़ से इंक्रीज हुआ है। पिछले क्वार्टर की तुलना में भी 1 करोड़ का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, तो प्रॉफिट में भी इंक्रीज, इनकम में भी इंक्रीज, एक्सपेंस में भी इंक्रीज, लेकिन ओवरऑल हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट में इंक्रीज। तो कंपनी ने प्रॉफिट और इनकम मतलब सेल्स दोनों में इंक्रीज दिखाया है, तो काफी बेहतरीन साइन है इन्वेस्टर के लिए। अब बात करते हैं अर्निंग पर शेयर, जो हमारे एक शेयर पे अर्निंग है कंपनी का, क्या वो इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर देखिए बेसिक जो अर्निंग पर शेयर है 2.71 रुपीज पैसा है, पिछले क्वार्टर में मार्च क्वार्टर में था 2.65 रुपीज पैसा, यहाँ तो इंक्रीज हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस जो अर्निंग पर शेयर है वो डिक्रीज हुआ है। 3.50 रुपीज का अर्निंग पर शेयर था पिछले साल के जून क्वार्टर में, इसका कारण क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स जो है कंपनी का इंक्रीज हुआ है बोनस शेयर देने के कारण। यहाँ पर आपको ये भी देखना पड़ेगा किस मतलब रेशियो में कंपनी ने बोनस दिया था, उससे कंपेयर करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको सही अर्निंग पर शेयर आपको पता चल पाएगा, क्योंकि ये कंपनी जो बोनस देती है उसमें अर्निंग पर शेयर आपको गिरावट देखने मिलेगा ही, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं बोनस शेयर के कारण। ये था रिजल्ट का एनालिसिस, अब हम शेयर के प्राइस का एनालिसिस करते हैं, क्योंकि ओवरऑल तो हमें शेयर प्राइस के ग्रोथ से ही रिटर्न प्राप्त होता है। ये प्राइस चार्ट पर जाने से पहले बता दें कि कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड 6 रुपीज का दिया है पर इक्विटी शेयर, मतलब जितना भी शेयर आपके पास है हर एक शेयर पे 6 रुपया मिलेगा, मतलब अगर आपके पास 100 रुपया है तो 600 रुपया आपको डिविडेंड के रूप में मिलेगा। फेस वैल्यू शेयर का 1 है, और ये 2021-22 फाइनेंशियल ईयर के लिए सबसे पहला इंटरिम डिविडेंड है। साथ ही साथ यहाँ पर आप कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो भी देख सकते हैं, ये सारे प्रोडक्ट है कंपनी के हैटसन एग्रो के, तो जब हम डिटेल रिव्यू करेंगे तो सारे डिटेल में बातें करेंगे कौन सा प्रोडक्ट का कितना मार्केट शेयर है, कहाँ से कंपनी कितना अर्न करती है, रेवेन्यू जनरेट करती है। अब देखिए यहाँ पर बात करें शेयर प्राइस के ग्रोथ का, तो शेयर प्राइस के ग्रोथ का जो चार्ट हम आपको दिखाते हैं वो दिखाते हैं कि शेयर के प्राइस में किस तरह से फ्लक्चुएशन होता है। देखिए यहाँ पर 2010 में ये शेयर प्राइस था मात्र 7 रुपीज के आसपास, और 2009-10 से शेयर प्राइस में कंटिन्यूअस ग्रोथ होता है, और 2017 में शेयर जो है अपना हाई बनाता है 715 रुपीज का। 2017 के अपने हाई 715 रुपीज से लगातार गिरावट होती है, और ये शेयर गिर कर के आ जाता है 280 रुपये, मतलब 60% का गिरावट, 60%, और फिर यहाँ से वापस कंपनी बाउंस बैक करती है और अपने ऑल टाइम हाई को अभी अचीव कर रही है, जो कि है 1000 के प्राइस के ऊपर, और वहां पर अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही है अभी शेयर प्राइस। तो कुछ इस तरह से फ्लक्चुएशन रहा है शेयर प्राइस के ग्रोथ में। अब हम इसके डेली चार्ट में आपको स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होगा अगर करेंट प्राइस पर कोई बाय करता है, अगर कोई ब्रेकआउट पे बाय करता है तो उसके लिए स्टॉप लॉस और टारगेट अलग होगा। अब बात करें शॉर्ट टर्म का, अगर कोई करेंट प्राइस पे बाय करता है तो शॉर्ट टर्म के लिए उनका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वह जस्ट जो है 900 के नीचे होना चाहिए, 900 के जस्ट नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है तो शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉप लॉस होगा। और शॉर्ट टर्म में जो टारगेट होगा तो वो यहाँ पर देख लीजिए, ये जो रेंज बना रखा है 900 से लेकर के 1032, तो लगभग यहाँ पर 150 रुपीज़ का टारगेट मिलेगा जब यहाँ से ब्रेकआउट होगा। देखिए यहाँ पर
1032 रुपीज से ऊपर ब्रेकआउट देता है। अब बात करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का, कोई भी यहां पर इन्वेस्ट करता है तो वो धीरे धीरे छोटे छोटे अमाउंट में SIP करना है, और छोटे छोटे अमाउंट में SIP जो करना है उसका जो स्टॉप लॉस होगा वो 712 रुपीज का होगा। देखिए इन्वेस्टमेंट में आपने यहाँ पर अमाउंट इन्वेस्ट किया, यहाँ पर ब्रेकआउट देकर ऊपर सस्टेन करता है तब आपको फिर इन्वेस्टमेंट करना है। अगर ये नीचे आता है तो फिर नीचे आने दीजिए। शॉर्ट टर्म के लिए जो इन्वेस्टर का मतलब जो स्टॉप लॉस होगा वो 880 रुपीज होगा, उसके नीचे अभी आप निकल सकते हैं। नहीं तो आपको अगर पूरे लॉन्ग टर्म के लिए 5 ईयर 10 ईयर्स के लिए तो स्टॉप लॉस होगा 700, क्योंकि कंपनी काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है तो इसके नीचे आना संभव नहीं है। अगर मार्केट में कोई क्रैश होता है तभी आएगा। तो यहाँ पर ब्रेकआउट देता है तो शॉर्ट टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में 6 महीने हो गया, जैसे 3 मंथ हो गया, 1 ईयर हो गया, लॉन्ग टर्म 5 ईयर्स 10 ईयर्स 20 ईयर्स, तो वैसे ही ये स्ट्रॉन्ग बिजनेस वाले ये स्टॉक हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चाहे वह पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के एजुकेशन और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए।